छोटी सी नज़्म जो आपने नहीं सुनी, ताज़ा नज़म, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो सुनाती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये नज़म मैंने ईद के दिन लिखी थी। हमारी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली है और इस मुल्क में इतफाक़ ऐसा कि मैं अकेली, तो ये नज़म उन सब लोगों के नाम जो अकेले ईद करते हैं और जिनको आदत कुछ और रह चुकी है। इस नज़म का उनवान है एक तस्वीर की कहानी। हाँ चलिए। मेरे घर के खाली कमरे में दीवार पे है तस्वीर सजी। मेरे घर के खाली कमरे में दीवार पे है तस्वीर सजी। तस्वीर में चांद से चेहरे हैं, आँखों में मेरी ठहरे हैं। वो लोग जो मुझ में अमर हुए, वो लोग जो मेरा ख्वाब हुए। वो मुझको देखे जाते हैं और ज़ेरे लब मुस्काते हैं। हम हैं ना, डरती क्यों हो, मुझको गोया समझाते हैं। वो मुझको देखे जाते हैं और ज़ेरे लब मुस्काते हैं। हम हैं ना, डरती क्यों हो, मुझको गोया समझाते हैं। वो लोग जो मुझ में अमर हुए, वो लोग जो मेरा ख्वाब हुए। जब दिन थक के सो जाता है और रात की रानी सजती है, तो चांद नुमा वो लोग मेरे तस्वीर से बाहर आते हैं। जब दिन थक के सो जाता है और रात की रानी सजती है, तो चांद नुमा वो लोग मेरे तस्वीर से बाहर आते हैं। अब जो महफिल जमती है एक हंगामा होता है, चाय कड़क सी बनती है और कैरम बोर्ड निकलता है। अब जो महफिल जमती है एक हंगामा होता है, चाय कड़क सी बनती है और कैरम बोर्ड निकलता है। कुछ किस्से छेड़े जाते हैं, कुछ हंसते रोते गाते हैं। वो लोग जो मुझ में अमर हुए, वो लोग जो मेरा ख्वाब हुए। मैं लम्हों से आज़ाद हुई, सब में घुल मिल जाती हूँ, लगता है अपने घर हूँ। मैं लम्हों से आज़ाद हुई, सब में घुल मिल जाती हूँ, लगता है अपने घर हूँ। अम्मी बाबा भाई बहना कितने प्यारे लगते हैं। वो लोग जो मुझ में अमर हुए, वो लोग जो मेरा ख्वाब हुए। वो शहर की पहली सुर्खी पे तस्वीर में फिर जा बसते हैं। वो शहर की पहली सुर्खी पे तस्वीर में फिर जा बसते हैं। और मैं आँखों में आस लिए, अपनी रातों का पास लिए, सुबह से लड़ने चल पड़ती हूँ। बहुत शुक्रिया।